अहमदनगर में पैसे बांटने का आरोप लंकेश जी ने लगाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे सांसद भावी सांसद नीलेश लंकेश जी ने जो आरोप लगाया एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी की सुजय विखे और उनकी पूरी गैंग, उनको अच्छी तरह से पता है कि हम यहाँ पे बुरी तरह से चुनाव हारे, तो हारने का जो मार्जिन कम करने के लिए लोगों को पैसे का लालच देके लोगों को बहलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र की एकदम समझदार, अहमदनगर की समझदार जनता पैसे के लालच में न पड़ते हुए हमारे लंकेश साहब को ज्यादा मतों से जिताएगी। जो पैसा वो खर्चा कर रहे हैं वो पैसा उनका पूरा पानी में जाएगा, मुझे विश्वास। सर, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, किस तरह का रिएक्शन आपको देखते हैं? महाराष्ट्र में तीसरे चरण तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी महाविकास आघाड़ी को 26 सीट तक आने का चांस है, लेकिन आज चौथे चरण का जो माहौल है मुझे लगता है कि 35 सीट के आसपास हमारी महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से पूरी तरह से सफाया हो रहा है। और इस तरह से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब के जो उनका वर्चस्व था महाराष्ट्र से पूरी तरह से खत्म हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो रहा है और महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय पवार साहब और नाना पटोले साहब के माध्यम से, राहुल गांधी के माध्यम से वापस महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है। सर, नरेंद्र मोदी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी को अपने साथ लेने की बात कर रहे थे, तो उस पर आपका क्या? अब हम उनके साथ जाएंगे नहीं तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, उनके साथ जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। एक और लोगों में संभ्रम का वातावरण निर्माण करने का मोदी साहब का एक बहुत पुरानी कला है, तो संभ्रम का वातावरण निर्माण करें, बाकी इस चीज से कुछ लेना देना नहीं। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार हिंदू मुस्लिम और अन्य मुद्दों से भटका कर बातें कर रहे हैं, उस पर क्या? उनके पास कोई बात करने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है। अगर 10 सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास में अगर कुछ काम किया तो उसके विषय में बात करना चाहिए था। तो उन्होंने 10 साल में सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया, जो 85 लाख करोड़ देश पे कर्जा था और दो लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया, सिर्फ देश ने कर्जा उठाने का काम किया और बड़े बड़े जो उद्योगपति उनका कर्जा माफ करने का काम किया, बाकी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके लिए वो लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए इस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन हमारी जनता जनार्दन समझ चुकी है, जान चुकी है और उनका कोई भी मंसूबा इस बार कामयाब होने वाला नहीं। कल हम देख रहे थे कि दहिसर में उत्तर मुंबई के लिए दो दो मुख्यमंत्री आए, क्या लग रहा है यहाँ पे भी पार्टी देखने को मिलेगी? पीयूष गोयल की हार तय है यहाँ पे, इसके लिए हार का मार्जिन कम करने के लिए यहाँ पे वो मंत्री मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। उनको 4 लाख से पिछली बार जीते थे, इस बार 4-4.5 लाख से हारेंगे पीयूष गोयल, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उत्तर मुंबई जिले की जानू जनता है, समझदार जनता है, उन्होंने पूरी तरह से पीयूष गोयल को नकार दिया है और बाहरी लोगों को हमारी उत्तर मुंबई जिला की जनता कभी चुन के नहीं देगी। और हमारे यहाँ के स्थानीय भूषण पाटिल जी भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर लोकसभा में जाने का काम। सर, हम देख रहे थे लगातार मराठी बनाम गुजराती मुद्दा चल रहा था, अभी 2 दिन पहले जिले पार्ले में एक मराठी बनाम गुजराती मुद्दा सामने आया, उसको लेकर के? मैं तो ये मराठी बनाम गुजराती भाषावाद के मैं एकदम विरोध में रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि देश में हर जगह सब रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है। किसी मराठी बंधु ने गुजराती के बारे में कुछ कहा होगा, किसी उत्तर भारतीय ने गुजराती के बारे में कहा होगा, तो उस व्यक्ति विशेष ने कहा है न बल्कि समाज ने। तो मैं इस चीजों से दूर रहना चाहता हूँ और हमारी पार्टी ये सब चीजों को कभी समर्थन नहीं।